सर्वेभ्यो नमो नमः मम नम लूदेश कुमार वर्मा व्याख्याता शासकीय माध्यमिक विद्यालय छझानपेरी जिला रायपुर मध्य पदस्थोस् अ वो पठा नवम्या कक्षाया पाठ ब्रेल लिपि प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं सभी विद्यालयों में समावेशी शिक्षा की व्यवस्था है जब हम बात समावेशी शिक्षा की करते हैं इसका तात्पर्य होता है कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उन सब के लिए भी वैसी ही शिक्षा की व्यवस्था जैसे सामान्य बच्चों के लिए होती है ऐसी व्यवस्था की गई है इसे ही समावेशी शिक्षा के नाम से जाना जाता है सामान्य रूप से जब हम दिव्यांग की चर्चा करते हैं तो दिव्यांगता के अंतर्गत केवल वे ही नहीं आते हैं जो शारीरिक दृष्टि से अपूर्ण दिखाई देते हैं अपितु तो मानसिक दृष्टि से भी अपूर्ण जो बच्चे होते हैं या विकसित नहीं होते हैं ऐसे बच्चे भी ऐसे बच्चे भी इसके अंतर्गत आते हैं तो ऐसे विशेष आवश्यकता वाले अनेक प्रकार के बच्चे होते हैं जिनके विषय में जिनके विकास के लिए जिनकी समुचित शिक्षा के लिए शासन द्वारा तरह तरह के प्रयत्न किए जा रहे हैं तो ऐसे ही जो बच्चे हमारे विद्यालय में होते हैं उनके लिए क्या क्या सुविधाएं होती हैं क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए क्यों होनी चाहिए इसके विषय में चिंतन करने की आवश्यकता है और यह जो पाठ है ब्रेल लिपि निश्चित रूप से हमें इसी ओर संकेत करती है कि हमें इनके भी विकास के लिए इनकी समुचित शिक्षा के लिए चिंतन करना चाहिए और विद, सभी विद्यालयों में ऐसे जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनके लिए समुचित शिक्षा की व्यवस्था हो इसकी पहल हमारा यह जो पाठ है ब्रेल लिपि यह करता है चलिए हम आज पढ़ते हैं पाठ ब्रेल लिपि आइए सबसे पहले हम इस पाठ के जो पाठ्यांश हैं इन अंशों को सुनते हैं प्यारे बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं सप्तम पाठ ब्रेल लिपि ब्रेल लिपि का आविष्कार लुई ब्रेल ने किया था फ्रांस देश के कुपरवे शहर में 4 जनवरी 1809 को उनका जन्म हुआ था शुरुआती तीन सालों तक लुई देख सकते थे एक दिन उनके पिता बाहर गए थे वे घोड़ों पर बैठने की चमड़ी की जीन बनाते थे उनका चमड़े को काटने छेदने का औजार घर पर था उसी में एक नुकीला सूजा था खेल खेल में लुई उससे चमड़े पर छेद करने की कोशिश कर रहे थे सूजा फिसला और लुई की एक आंख में जा लगा फिर चोट का असर दूसरी आंख तक फैल गया लुई के पिता ने लुई के लिए एक पतली छड़ी बना दी धीरे धीरे लुई ने छड़ी की मदद से टटोल कर चलना सीख लिया वे छूकर, सूंघकर, सुनकर चीजों को पहचान लेते थे थोड़े दिनों बाद उन्हें पेरिस शहर के नेत्रहीन बच्चों के एक स्कूल में दाखिला मिल गया शाम को लुई ने संगीत और पियानो बजाना सीखना शुरू किया उन दिनों नेत्रहीन बच्चों के लिए किताब बनाने के कई प्रयास हो रहे थे कागज की पट्टी पर छेद करके एक अनोखी लिपि खोजी गई कागज को पलटकर उभरी हुई बिंदियों को छूकर पढ़ा जा सकता था उसको बेहतर बनाने के काम में लुई जुट गए लुई ने फ्रेंच भाषा की रोमन लिपि के सभी 26 अक्षरों के उभरी हुई छह बिंदुओं वाले नमूने बना डाले उन बिंदियों को छूकर पढ़ना लिखना संभव था यही लिपि ब्रेल लिपि नाम से प्रसिद्ध हुई 6 जनवरी अठारह को लुई ब्रेल का देहांत हुआ लेकिन आज तक ब्रेल लिपि काम में आती है ब्रेल लिपि में किताबें छपती हैं कंप्यूटर आने के बाद से उस पर पढ़ना और लिखना और अधिक आसान हो गया है प्रस्तुत पाठ में आए नीलेश जैसे बच्चों की विशेष आवश्यकता है वह देख नहीं सकता है उसको पढ़ने लिखने के लिए खास उपकरणों की जरूरत होती है यह उसका अधिकार है इस पाठ में नीलेश और उसके मित्र धनुष का संवाद है नमस्कार अत्र स्वागतम नमस्कार आगच्छतु उपविशतु भवतः परिचयः किं मम नाम निलेशः अस्ति अहं नवम्यां कक्षायां पठितुमागच्छामि मम मातुः स्थानान्तरणम् अस्मिन् नगरे अभवत् भवतः परिचयः किम् मम नाम धनुषः अहमपि नवम्यां कक्षायां पठामि किंतु महादाशचरियम भवान कथम पठति? अहम् ब्रेल लिपि माध्यमेन पठनम् लेखनम् चक्रोमी यम् विशिष्टा लिपि अस्ति अति शोभनमस्ति मित्र मम पूर्व विद्यालये मम कृते सर्वाणि साधनानि सुलभानि आसन कानिकानि साधनानि विद्यालयं परितः दृष्टि बाधित मित्राणां कृते विशेष मार्गः निर्मितः अयम् मार्गः कथं लाभप्रदः मित्र अहम् स्वकीयैं दण्ड सहायैं संस्पृश्य सर्वत्र गमनागमनं करोमि मित्र स्वकीयां कक्षां भवान कथं जानाति द्वार मध्ये ब्रेल लिप्या कक्षायाः संख्या लिखिता तेन किं भवति तम स्पर्शं कृत्वा जानाम्यहं किम् तव पुस्तकानि अपि ब्रेल लिप्याम् उपलब्धानि सन्ति आम विद्यालये एकः संगणकः अपि मम मित्रम् तेन किं भवति संगणके एका विशिष्टा सुविधा वर्तते मम वचनं श्रुत्वा संगणकः लिखितुं सखनोति भवतः वृत्तान्तं श्रुत्वा दृष्ट्वा च अहम् अपि यस् पोरतिम अनुभवामि एतादृशानी साधनानि सर्वेभ्यः दृष्टिबाधीतेभ्यः सुलभानि भवन्ति आम धनुष अस्माकं विद्यालये विविधोपकरणानि न सन्ति ततः किम कर्तव्यं वयम् सर्वे छात्राः आवेदन क्या ये अस्माकद्यालचितावस्था भवे तदा अस्माक मिरा विशेष आवश्यकता पूर्ति भविष्य उत्तम विचार तव प्यारे बच्चों अभी हमने पाठ ब्रेल लिपि का वाचन सुना अब आइए इस पाठ के जो विशेष अंश हैं इन अंशों को समझने का प्रयास करते हैं अभी आप लोगों ने जैसा सुना यह पाठ जो है संवाद पाठ है अर्थात दो लोगों के बीच में दो बच्चों के मध्य वार्तालाप हो रही है उनमें से एक बच्चा जो है वह दिव्यांग है वह नेत्रहीन है लेकिन नेत्रहीन बच्चा एक सामान्य विद्यालय में कैसे अपना अध्ययन सुचारू रूप से संपन्न कर सकता है उसके जीवन में क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं इसके विषय में दोनों मित्र धनुष और नीलेश ये आपस में चर्चा करते हैं तो इनमें से यह जो मित्र है नीलेश यह जो है यह नेत्रहीन है निश्चित रूप से इनका जीवन चुनौती भरा है लेकिन फिर भी चुनौतियों के आगे जो चुनौतियों से पार पाते हैं या कहें कि जो चुनौतियों से संग्राम करते हैं निश्चित रूप से जीवन में वे नए आयाम गढ़ते हैं तो ऐसा ही दायित्व अब नीलेश के ऊपर है तो नीलेश विद्यालय में आता है तब उसको देखकर उस विद्यालय का छात्र धनुष यह उनसे संवाद करता है और कहता है क्या कहता है नमस्कार अत्र भवतः स्वागतम धनुष एक नए सहपाठी नीलेश को देखकर सबसे पहले उसका अभिवादन करता है नमस्कार करता है ये सामान्य पद्धति है जब भी हम किसी से मिलते हैं चाहे बड़े से मिले छोटों से मिले या अपने जैसे लोगों से मिलते हैं तब निश्चित रूप से हमें उनका अभिवादन करना चाहिए जो बड़े हैं उनके योग माने जिस व्यक्ति से भी हम मिल रहे हैं उनके योग्य यथा योग्य अभिवादन हमें करना चाहिए ये हमारे संस्कार हैं तो धनुष अपने संस्कार का परिचय देते हुए कहता है नमस्कार हा, नमस्कार अत्र भवत स्वागतम अत्र यह अव्यय पद है और यह स्थान वाचक पद है इसका तात्पर्य होता है यहाँ अर्थात इस विद्यालय में भवतः भवतः भवान मूल शब्द है और इसका वचन का यह रूप है इसका तात्पर्य होता है आपका स्वागतम सुधन आगतम इति स्वागतम यहाँ पर स्वर संधि का प्रयोग हुआ है और इसका तात्पर्य होता है स्वागत है तो धनुष अपने एक नए सहपाठी को देखकर उनको नमस्कार करता है और कहता है अत्र भवतः स्वागतम यहाँ आपका स्वागत है अब जब कोई व्यक्ति हमसे उचित अभिवादन करता है तब उसके अभिवादन को सुनकर निश्चित रूप से प्रतिक्रिया देना चाहिए तो नीलेश धनुष के अभिवादन को सुनकर क्या प्रतिक्रिया करता है नीलेश कहता है नमस्कार अर्थात धनुष ने जब उनको नमस्कार कहा तब नीलेश भी उसको क्या कहता है नमस्कार नमस्कार करता है नमस्कार यह जो पद है यह संधि युक्त पद है इसको जब हम संधि अलग करें तो नम इति नमस्कार यहाँ पर विसर्व संधि का प्रयोग हुआ है तो एक व्यक्ति एक बच्चा धनुष जब नमस्कार करता है तो उसके प्रत्युत्तर में नीलेश भी उनको नमस्कार करता है दोनों आपस में एक ही विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे हैं अब जब उन्हें अपने अभिवादन का प्रतिक्रिया मिल गया तब धनुष पुनः अपने मित्र से कहता है क्या कहता है आ उप विशतु भवतः परिचय कह तो इस तरह से उन दोनों में वार्तालाप प्रारंभ होता है आगच्छतु आगच्छतु का तात्पर्य होता है आओ ये शब्द कैसे बनता है आ उपसर्ग है गम धातु है लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का यह रूप है और इसका तात्पर्य होता है आओ उप विषतु शब्द में उप उपसर्ग है विष धातु है लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का यह रूप है और इसका तात्पर्य होता है बैठो तो धनुष कहता है आगछतु आओ बैठो फिर उनसे पूछता है क्या कहता है भवतः परिचय कह भवतः भवान मूल शब्द है षष्ठी भक्ति एक वचन का यह रूप है और इसका तात्पर्य होता है आपका परिचय परिचय कह मतलब क्या तो भावतः परिचय कह आपका परिचय क्या है ऐसा धनुष उस नवागंतुक सहपाठी से पूछता है अब नवागंतुक सहपाठी कहता है क्या कहता है मम नाम नीलेश अस्ति मेरा नाम नीलेश है अहम नवम्याम कक्षायाम पढ़ी आग्छा मम मातु स्थानांतरण अस्मिन नगरे अभवत भवत परिचय क तो ऐसा नीलेश जो है आ, मित्र धनुष जो है उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहता है कहता है मम नाम नीलेश अस्ति मम यह शब्द जो है अस्मत इसका मूल शब्द है अस्मत का तात्पर्य होता है मैं तो अस्मत शब्द का षष्ठी भक्ति एक वचन का रूप है मम और इसका तात्पर्य होता है मेरा तो मम नाम मेरा नाम नीलेस अस्ति अर्थात नीलेश है अहम नवम्याम कक्षायाम पठित आगक्षा पठित आग्छा यह शब्द संधियुक्त पद है संधि अलग करें तो पठितुम धन आग्छा पठित आगक्षा यहाँ पर व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है पठितुम जो शब्द कह रहे हैं यह इसका मूल है पठ धातु पठ धातु में तुमुन प्रत्यय का योग हुआ है और इस तरह से रूप बनता है पठितुम और पठितुम का तात्पर्य होता है पढ़ने के लिए आ गच्छामी आ उपसर्ग है गम धातु है लट लकार प्रथम पुरुष लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का यह रूप है तो इस तरह से रूप बनता है आ गच्छामी और इसका तात्पर्य होता है आया हूँ तो अहम मैं नवम्याम नवमी कक्षायाम कक्षा में पचीत पढ़ने के लिए आया हूँ फिर आगे कहता है क्या कहता है मम मातु अस्मिन नगरे अभवत मम मेरे मातु माता का स्थानांतरण अस्मिन नगरे इस नगर में अभवत हुआ तो मैं यहां इसलिए आया हूं क्योंकि मेरी माता का स्थानांतरण इस नगर में हो गया है फिर तो इस तरह से तो अपना परिचय दे दिया अपना नाम बता दिया किस लिए आया है वो बता दिया यहाँ क्यों आना पड़ा ये कारण बता दिया फिर कहता है नीलेश क्या कहता है भवतः परिचय कह भवतः आपका परिचय परिचय कह क्या है तो आपका परिचय क्या है तो इस तरह से अपना परिचय देते हुए वह जो उसका सहपाठी पूछ रहा था उसका भी वह परिचय जानना चाहता है अब धनुष कहता है क्या कहता है मम नाम धनुष अहम भी नवम्याम कक्षायाम पठामी किंतु महदाश्चर्य कथा भवान कथम पढ़ती मम नाम धनुष मेरा नाम धनुष है इस तरह से वह अपना परिचय देता है जैसे आपका और हमारा अपना नाम है इसी तरह से धनुष भी अपना नाम अपने सहपाठियों को अपना वो जो नया सहपाठी है उसको बताता है कहता है मम नाम धनुष है, मेरा नाम धनुष है और फिर कहता है अहम अपी अहम धन अपी इति अहम पी यहाँ पर व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है फिर इसका तात्पर्य होता है मैं भी नवम्याम कक्षायाम नवमी कक्षा में पठामी पठामी का तात्पर्य होता है पढ़ता हूँ पठामी यह धातु रूप है क्रिया रूप है इसके रूप को पहचानने के लिए यदि कहा जाए तो हम इसकी पहचान कर सकते हैं पठ मूल धातु है लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का यह रूप है और इसका तात्पर्य होता है पढ़ता हूँ तो अहम अपि नवम्याम कक्षायाम पठामी मैं भी नवमी कक्षा में पढ़ता हूँ ऐसा धनुष कहता है, फिर आगे कहता है, क्या कहता है? किंतु महदाश्चर्यम भवान कथम पठाति महदाश्चर्यम धन आश्चर्यम इति महदाश्चर्यम यहाँ पर व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है महद मतलब बड़ा आश्चर्य, बड़ा आश्चर्य है भवान आप कथम कैसे पठाती पढ़ते हो तो ये इस तरह से धनुष अपनी जिज्ञासा प्रकट करता है किंतु महद आश्चर्य यह बड़े आश्चर्य का विषय है कि आप कैसे पढ़ते हो ये वह धनुष जो है ऐसा आश्चर्य क्यों प्रकट कर रहा है वह ऐसा आश्चर्य इसलिए प्रकट करता है क्योंकि वह जिस अपने नवागंतुक सपाठी से अभी वार्तालाप कर रहा है वह नवागंतुक दिव्यांग है वह नेत्रहीन है वह देख नहीं पाता है जब देख नहीं पाता है तब सामान्य रूप से जैसे आपको जिज्ञासा होती है उसी तरह से धनुष को जिज्ञासा होती है कि एक नेत्रहीन बच्चा दिव्यांग बच्चा कैसे पढ़ सकता है तो उसको प्रश्न करते हुए कहता है किंतु तो महद आश्चर्य भगवान कथम पठती आप कैसे पढ़ते हो इस तरह से वह अपने आश्चर्य को प्रकट करता है अब उसके द्वारा ऐसा कहे जाने पर नीलेश कहता है क्या कहता है अहम ब्रेल लिपि माध्यमेन पठनम लेखनम च करोमी अहम मैं ब्रेल लिपि ब्रेल लिपि के माध्यम से पठनम पढ़ना लेखनम लिखना च च चक यह अव्ययपद है अव्ययपद किसे कहते हैं आप भली भांति जानते हैं ऐसे पद जिनका प्रयोग कहीं भी किया जाए किसी भी वाक्य में किया जाए उनका स्वरूप नहीं बदलता है वे पद अव्यय पद कहलाते हैं तो च ऐसा ही पद है और च का तात्पर्य होता है और पठनम लेखनम च पढ़ना और लिखना करोमी करता हूँ क्रिधातु, धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का यह रूप है और इसका तात्पर्य है करता हूँ तो अहम ब्रेल लिपि माध्यमेन पठनम लेखनम चक्रोमी मैं ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ना और लिखना करता हूँ फिर वह आगे ये ब्रेल लिपि क्या है इसका परिचय देते हुए कहता है क्या कहता है इम विशिष्टा लिपि अस्ति यह विशेष लिपि है अर्थात जिस तरह से तुम पढ़ते हो सामान्य पुस्तकों को पढ़ते हो देख पढ़ते हो और लिखते हो यह वैसा नहीं है यह विशिष्ट लिपि है विशिष्ट लिपि क्यों है ब्रेल लिपि को विशिष्ट लिपि क्यों कहा जा रहा है ब्रेल लिपि को विशिष्ट लिपि इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसको देखकर आप नहीं पढ़ सकते हैं इसके लिए एक विशेष माध्यम होता है इसको स्पर्श के माध्यम से उंगलियों के स्पर्श से क्या लिखा हुआ है इसको जो दिव्यांग होते हैं जो इस विषय में प्रशिक्षित होते हैं वे बच्चे या वे लोग भली भांति से पढ़ पाते हैं इसलिए ब्रेल लिपि को विशिष्ट लिपि कहा गया है अब जब नीलेश अपने ब्रेल लिपि के बारे में बताता है इसके विशिष्ट होने के गुण को बताता है तब धनुष कहता है क्या कहता है अतीव शोभन मस्ती अतीव अतिधन इव इति अतीव अर्थात बहुत ही शोभन शोभनम धन अस्थि थी शोभनम अस्ति यहाँ पर व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है तो बहुत ही शोभनम मतलब अच्छा अस्ति है यह बहुत ही अच्छा है अर्थात ये नए लिपि के विषय में मैं आज तक जानता नहीं था अब तुमने बता दिया तो अब मैं इस ब्रेल ब्रे, 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 लिपि के विषय में भली भांति जानकारी मुझे मिल गई है ऐसा धनुष कहता है फिर कहता है आ, अब नीलेश कहता है क्या कहता है मित्र मम पूर्व विद्यालय मम कृते सर्वाणी साधना सुलभानि आसन हे मित्र मित्र यह संबोधन रूप है संबोधन एक वचन का रूप है तो हे मित्र मम पूर्व विद्यालय मेरे पहले के विद्यालय में मम कृते मेरे लिए सर्वाणी सभी प्रकार के साधनानी साधन सुलभानी सुलभ सूलब आसन थे अर्थात पहले के विद्यालय में पहले मैं जिस विद्यालय में पढ़ता था उस विद्यालय में मैं जिस तरह से दिव्यांग हूं मैं देख नहीं सकता हूं इसी तरह से मेरे जैसे और जितने विशेष आवश्यकता वाले बच्चे थे उन सभी के लिए सर्वानी साधनानी सुलभानी आसन सभी प्रकार के आवश्यक साधन सुलभ थे जिसके कारण से हमें पढ़ने लिखने में कहीं कोई कठिनाई नहीं होती थी जिस तरह से तुम पढ़ पा रहे हो उसी तरह से हम लोग भी पढ़ लिख वहाँ उस विद्यालय में पाते थे ऐसा नीलेश कहता है प्यारे बच्चों यहाँ देखिए यहाँ एक शब्द प्रयोग हुआ है कृत्य कृत्य का मतलब होता है के लिए किसी शब्द को चतुर्थी विभक्ति का रूप यदि देना हो या चतुर्थी भक्ति के अर्थ में कृत शब्द का प्रयोग किया जाता है तो मम का तात्पर्य होता है मेरा और कृत्य का मतलब होता है के लिए तो इस तरह से मम कृत्य का तात्पर्य हो गया मेरे लिए अर्थात यहाँ चतुर्थी भक्ति का रूप देने के लिए कृत शब्द का प्रयोग किया गया है तो ऐसा आप भी प्रयोग कर सकते हैं और वाक्य विशेष का निर्माण कर सकते हैं अब नीलेश कहता है धनुष कहता है क्या कहता है कहानी कहानी साधना जब नीलेश कहता है कि मेरे विद्यालय में पहले बहुत से साधन जो है सुलभ थे सभी प्रकार के साधन सुलभ थे तब जिज्ञासावश आपको भी जिज्ञासा होती क्या क्या साधन उपलब्ध रहे होंगे तो उसी तरह से धनुष भी अपनी जिज्ञासा व्यक्त करते हुए कहता है कहानी कहानी साधना क्या क्या साधन वहां उपलब्ध थे तब नीलेश कहता है क्या कहता है, है? विद्यालयम परिता है। दृष्टिबाधित मित्राणाम कृते विशेष मार्ग निर्मित विद्यालय परितः विद्यालय के चारों ओर दृष्टिबाधित मित्राण कृते अर्थात दृष्टिबाधित जो मित्र हैं जो दिव्यांग हैं ऐसे उन सब के लिए विशेष मार्ग निर्मित विशेष मार्ग बने हुए थे अर्थात हम किस मार्ग में चले सामान्य मार्ग जो है यह अलग होता है लेकिन ब्रेल लिपि में जिस तरह से पढ़ने की एक विशेष लिपि है इसी तरह से चलने के लिए उनके पूर्व विद्यालय में एक विशेष पथ विशेष रास्ता बना हुआ था जिस रास्ते में अलग अलग निशान बने हुए थे जिसको स्पर्श करके उन रास्तों के बारे में जो दृष्टिबाधित मित्र होते थे वे भली भांति जान लेते थे और उन्हें जहाँ जाना होता था वहाँ वे चले जाते थे और अपने विभिन्न कार्यों को वे संपादित करते थे तो ऐसा नीलेश जो है अपने मित्र को बताता है कि वहां क्या क्या साधन उपलब्ध थे अब धनुष कहता है क्या कहता है अयम मार्ग कथम लाभ प्रद अर्थात अयम मतलब यह मार्ग मतलब मार्ग कथम कैसे लाभप्रद लाभ प्रद अर्थात यह जो विशेष मार्ग बता रहे हो जिनमें विभिन्न प्रकार के निशान बने होते हैं ये किस प्रकार से लाभप्रद हैं अर्थात इन मार्गों से तुम्हें या जो दृष्टिबाधित होते हैं उन्हें किस प्रकार से सहायता प्राप्त होती है ऐसा प्रश्न करता है तब उनके प्रश्न को सुनकर नीलेश कहता है मित्र अहम स्वकीय दंड सहायन संस्पृश्य सर्वत्र गमनागमनम करोमी हे मित्र अहम मैं स्वकीयन अपने दंड सहायन अपने दंडे के सहारे से संस्पृश्य स्पर्श करके सर्वत्र सभी स्थानों पर गमनागमनम जाना और आना करोमी करता हूँ अर्थात जो डंडा जो वह दृष्टिबाधित था नीलेश इसलिए उसके हाथ में हमेशा एक छड़ी होती थी और जिस मार्ग पर वह चलता था वह विशेष मार्ग था वहाँ तरह तरह के निशान बने हुए थे उन सबको वह अपने उस छड़ी की सहायता से उस डंडे की सहायता से स्पर्श करते हुए उन्हें जहाँ जाना होता था वहाँ वह चला जाता था और अपने विभिन्न कार्यों को वह संपादित करता था तो इस तरह से वह अपने मित्र धनुष को बताता है अब धनुष पुनः कहता है क्या कहता है मित्र स्वकीम कक्षाम भवान कथम जानाति तुम अप हे मित्र स्वकीम कक्षाम अपनी कक्षा को भवान आप कथम जानाति कैसे जानते हो अर्थात आपको कैसे पता चलता वहाँ तो बहुत विद्यालय में बहुत से कमरे होते हैं आपके विद्यालय में बहुत से कमरे हैं है ना हाँ तो इसी तरह से उनके विद्यालय में भी बहुत से कमरे हुआ करते थे तो उन कमरों में से कौन सा कमरा या कौन सा कक्ष उनका अपना कक्ष है जिस कक्ष में बैठकर वे अध्ययन करते हैं इसके विषय में कैसे जानकारी प्राप्त करते हो ऐसा धनुष जो है अपने मित्र नीलेश से पूछता है अब नीलेश कहता है द्वार मध्य ब्रेल लिप्या कक्षा या संख्या लिखिता द्वार मध्य द्वार के बीच में ब्रेल लिप्या ब्रेल लिपि से ब्रेल लिप्या शब्द जो है ब्रेल लिपि मूल शब्द है यहां पर तृतीय भक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है इसका तात्पर्य होता है ब्रेल लिपि से कक्षा या कक्षा के संख्या लिखता, संख्या लिखी हुई है तो द्वार मध्य द्वार के बीच में ब्रेल लिपि से कक्षा की संख्या जो है वहाँ लिखी हुई है उस लिखी हुई संख्या को मैं स्पर्श करके जान लेता हूँ कि यह कौन सी कक्षा है इस तरह से मैं अपनी कक्षा को पहचान कर अपनी कक्षा में प्रवेश करता हूँ ऐसा नीलेश कहता है फिर धनुष कहता है तेन किम भवती उससे क्या होता है अर्थात तुम अपनी कक्षा को पहचान लेते हो स्पर्श कर लेते हो वहाँ कक्षा के सामने जो कक्षा की संख्या लिखी हुई है वो ब्रेल लिपि में हुई है तो ब्रेल लिपि में लिखी हुई है ठीक है लेकिन इससे क्या होता है ऐसा धनुष पूछता है कहता है तेन किम भवत इससे क्या होता है तब नीलेश कहता है ताम स्पर्शम कृत्वा जाना कहता है कि वहाँ कक्षा के सामने जो ब्रेल लिपि में कक्षा की संख्या लिखी हुई है उसको मैं स्पर्श करता हूँ ताम स्पर्शम कृत्वा उसको स्पर्श करके जानामि अहम जानाम्य म्यहम कैसे बना है जानामि धन अहम इति जानाम्य म्यम अर्थात जान लेता हूँ तो कक्षा के सामने जो ब्रेल लिपि में संख्या लिखी हुई है इस संख्या को मैं स्पर्श करके जान लेता हूँ और अपनी कक्षा में प्रवेश कर लेता हूँ ऐसा नीलेश कहता है अब धनुष कहता है क्या कहता है किम भवत पुस्तका अभी ब्रेल लिप्याम उपलब्धा सारी किम क्या भवतः आपके पुस्तका पुस्तकें अभी भी ब्रेल लिप्याम ब्रेल लिपि में उपलब्धानि सही उपलब्ध हैं जिन पुस्तकों को हम पढ़ते हैं ऐसा जो तुम्हारा पुस्तक है क्या वो पुस्तक भी ब्रेल लिपि में उपलब्ध है यदि होगा तब तो तुम पढ़ पाते होगे ऐसा धनुष अपनी जिज्ञासा प्रकट करता है तब नीलेश कहता है आम आम का मतलब होता है हाँ विद्यालय एक संगणक अपनी मम मित्रम आसीत विद्यालय में एक संगणक भी संगणक आप सभी जानते हैं आधुनिक यंत्र है जिसको आंग्ल भाषा में कंप्यूटर कहा जाता है तो मम विद्यालय एक संगणक अपी ये देखिए चित्र में आपको दिखाई दे रहा है ये संगणक जिस तरह से आजकल संगणक के माध्यम से विभिन्न कार्यों को संपादित किया जाता है तो ऐसा ही एक संगणक जो है नीलेश जिस विद्यालय में पढ़ता था वहाँ भी था कहता है विद्यालय एक संगणक अपि मम मित्रम आसीत तो उस विद्यालय में मेरे बहुत से मित्र थे उन्हीं मित्रों में से एक मित्र जो है वह संगणक भी था तो संगणक अपनी मम मित्रम आसित संगणक भी मेरा मित्र था अब धनुष कहता है क्या कहता है तेन किम भवती उससे क्या होता है संगणक से क्या होता है तब नीलेष कहता है नीलेष बताता है आप सभी जानते हैं संगणक जो होता है उसमें तरह तरह की सुविधाएं हैं तो वैसे ही क्या सुविधा है जिसके बारे में नीलेष बताता है कहता है के एक विशिष्टा सुविधा वर्तते मम वचनम श्रुआ संगणक लिखी तुम संगणक में एक विशिष्ट सुविधा होती है वहाँ विद्यालय में जो संगणक था उसमें एक विशेष सुविधा थी क्या सुविधा थी मम वचनम श्रुत्वा मेरे वचनों को सुनकर संगणक संगणक लिखितुम शक्नोती लिखने में समर्थ होता था तो यहाँ पर शब्द आया है श्रुत्वा शुरु धातु प्रत्यय और शुरू मतलब होता है सुनना तत्व प्रत्यय का प्रयोग जो है कर अर्थ में होता है तो श्रुत्वा का तात्पर्य होता है सुन कर लिखितुम लिख धातु तुमुन प्रत्यय के योग से बनता है लिखितुम लिख मतलब होता है लिखना और तुमन प्रत्यय का प्रयोग जो है के लिए अर्थ में होता है तो यहाँ लिखितुम का अर्थ क्या हुआ लिखने के लिए या लिखने में सकनोति समर्थ होता है तो संगणक में अर्थात जो कंप्यूटर है उनके विद्यालय में था उसमें एक विशिष्ट सुविधा थी जिसके विषय में नीलेश अपने मित्र को बताता है और कहता है क्या सुविधा है आप सभी जानते हैं आजकल जिस तरह से आप सभी चल दूरभाष यंत्र अर्थात मोबाइल के विषय में जानते हैं इसमें भी आपकी बातों को सुनकर उसमें लेखन होता है ना हाँ तो ऐसे ही उनके विद्यालय में जो संगणक अर्थात कंप्यूटर था उसमें भी वचनों को सुनकर अर्थात बातों को सुनकर लिखने के एक विशेष सुविधा थी तो निश्चित रूप से इन सभी चीज़ों से आप लोग भी भली भांति जानते हो तो अब इस तरह की सुविधाएं थीं तो निश्चित रूप से नीलेश को लिखने और पढ़ने में बड़ी सहायता मिलती थी